नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ पोहा इडली। पोहा इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 कप पोहा लिया हुआ है और साथ में 1 कप मैंने यहाँ पे सूजी लिया हुआ है, 1 कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। अब हम दही को पोहा में मिक्स कर देंगे और साथ ही सूजी को डाल देंगे और साथ ही इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हम इसको आधे घंटे के लिए अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और हम थोड़ा सा इसमें आधा कप पानी मिक्स करेंगे। अब इसको हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे। ये हमारे इडली इडली के लिए हमने जो पोहा गला के रखा था उसको 20 से 30 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा पानी कम था तो हमने थोड़ा पानी डाल के इसको इडली के जैसा फेस तैयार किया है। अब हम इसमें ये बेकिंग सोडा डालेंगे आधा चम्मच और यहाँ पे हमने इडली बनाने के स्टैंड में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा सोडा पूरे उसमें मिल जाए। ये हमारा पेस्ट तैयार है और हमने यहाँ पे इडली स्टैंड में अच्छे से ऑयल लगा लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इनमें इडली के लिए ये हमने जो पोहा का पेस्ट तैयार किया है उसको हम इसके अंदर रख के और इसको पकने के लिए रखेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, साइज बड़ा छोटा। ये हमारा हो चुका है, इस तरीके से हम इसको इस पर रखेंगे और इसको पैक कर देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये हमारी इडली को 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कि पक चुकी है। ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, ये गर्म है तो हम इसको किसी कपड़े की सहायता या नैपकिन से पकड़ेंगे और इनको फिर ठंडा होने के बाद निकालेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारी पोहा इडली बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।